दैट मीन्स यू आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली यू आर डूइंग यूर बेस्ट तो उससे ही पता चल जाता है कि आप कितनी सीरियसली परस्यू करना चाहते हो ए करियर इन इंजीनियरिंग तो इसके लिए सी जी पी एक क्राइटेरिया होता है बेसिकली टू नो हु इज़ डूइंग रियली वेल हुज़ नॉट डूइंग दैट मच एंड उसके हिसाब से सम कंपनीज डेफिनेटली हैव सी जी पी एक क्राइटेरिया ऑन एन एवरेज सेवन एंड अबाउ पकड़ सकते हैं एंड सी जी पी ए क्राइटेरिया इज़ नॉट ओनली समथिंग दैट रेक्रूट लुक एट एटलीस्ट फॉर कैंपस आई मीन आई हैव पर्सनली सीन पीपल हु हैव हैड सेवन सी जी पी एंड अबाउ और उनके प्रोजेक्ट्स उनके कंपनीज दैट डी हैव वर्कड विथ इवन इन इंटर्नशिप या अगर उन्होंने कोई रिसर्च किया हो तो वो सब बहुत ज़्यादा वैल्यू एड करता है वर्सेज समबडी हु इज ऑलरेडी डूइंग नाइन सी जी पी ए बट ये हैव नॉट वर्कड ऑन दैट गुड ऑफ अ प्रोजेक्ट सो यू नो आई हैव गोट

और नीचे आपका स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस योर प्रोजेक्ट्स एंड योर वर्क इज ओनली दैट मैटर्स जीपीए अगर कोई देख रहा है तो वो बेकार हायरिंग मैनेजर है उसके स्कैंडर मत जाओ अब इस इसका एक फॉलोअप था फॉर एग्जांपल जब ये शॉर्टलिस्टिंग होती है द फर्स्ट क्राइटेरिया शॉर्टलिस्टिंग वाला सेक्शन राइट right, जब सीजीपीए uh, फिल कर सब कुछ फिल कर उसके बाद यू गेट सम कैंडिडेट्स यू गेट 100 150 ओवे को उससे पहले अकाउंट करते हैं ओवे को उसके बाद अकाउंट करते हैं एंड हाउ मेनी रेज्यूमेज डू यू एक्चुअली स्कैन थ्रू वेन यू आर लाइक हायरिंग फॉर कैंपस बिकॉज लोगों को यह लगता है जैसे मेरे को कॉलेज के टाइम पर लगता था ऑनेस्टली कि बस ओवे देखा और सी जी पी क्राइटेरिया मैच हो रहा है फिर कुछ नहीं हो रहा तो टॉप सी जी पी वाले सेलेक्ट कर लिए इसमें से एंड उनको इंटरव्यूज़ के लिए भेज दिया एक्चुअली निशान यू आर नॉट रॉन्ग कुछ कंपनीज ऐसे जरूर करते हैं एस्पेशली ऐसे कंपनीज जहाँ बहुत ज्यादा हायरिंग नंबर्स हैं उनके सो दिस इज समथिंग दैट देवियसली लुक एट कि आपको बेस्ट हीट चाहिए hmm. कि ये कॉलेज में बेस्ट कैंडिडेट्स कौन से है hmm. तो वैसे एक क्राइटेरिया जब बन जाता है तभी इट बिकम्स ईजियर फॉर अ रिक्रूटर टू ओनली लुक एट प्रॉबी सी जी पी ए या आप ऑनलाइन असमेंट में कैसे परफॉर्म कर रहे हो बट दैन देर आर अदर कंपनीज जहाँ दे वॉन्ट द बेस्ट बट इट्स नॉट ओनली द सी जी पी क्राइटेरिया इट्स नॉट ओनली अ पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग या फिर इट्स नॉट ओनली अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन योर रेज्यू में जो आप देखते हो इन डिफरेंट कंपनीज आर डिफरेंट प्रोसेस एटलीस्ट इन वॉट आई कैन टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस आई हैव वर्कड इन कंपनीज जो हर एक रेज्यू में करता है इवन इफ इट इज अ कैंपस हायर सो इफ़ आई लुक एट द डिफरेंट हायरिंग दैट वी डू ऐसा भी होता है कि आई हैव ग थ्रू हंड्रेड रेज्यूमर्स एंड पिकड फिफ्टी बेस्ट फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस और यू कैन यू नो गो थ्रू फिफ्टी रेज्यूमर्स पिक टेन बेस्ट तो ऐसे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं बट ऐसे बिल्कुल भी यू शूड नॉट फील कि अगर आप कैंपस में हों तो आपका रेज्यूमर कोई देखता नहीं है देखते हैं एंड इंटरव्यू के टाइम तो डेफिनेटली देखते ही हैं जब इंटरव्यू क्योंकि मैंने अभी एक हायरिंग मैनेजर मतलब शी इज़ अ प्रिंसिपल ग्रुप इंजीनियरिंग मैनेजर एट माइक्रोसॉफ्ट शी एस 21 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई डिड अ पॉडकास्ट विद एंड आज अर द सेम क्वेश्चन क्या आप रेज्यूमे देखते हो इंटरव्यूज मेंज़ लाइक यस बिना उसके तो आई कांट इवन गो इन द इंटरव्यू एंड मैं कुछ पूछ भी नहीं सकती इफ शी इज हायरिंग और एनी वन एल्स हायरिंग एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर सो पीपल डू सी द रेज्यूमे इफ नॉट एट द रिक्रूटमेंट स्टेज लेटर इंटरव्यूज तीन चार जो होता है उसमें तो, तो देख आई होप यू फाउंड द वीडियो इन साइट फुल डू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चेकआउट एलगोब्रेड डॉट इन टू फास्ट ट्रैक योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिपरेशन मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक के लिए